हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवले। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो आज का एपिसोड एक बार फिर फूड फॉर हेयर, फूड फॉर हेल्थ। जी, तो ऐसे बहुत सारे खाने हैं जो जिनको ना सिर्फ हम खा सकते हैं, खाकर हम अपने आप को तंदुरुस्त अंदर से बना सकते हैं, बल्कि उनको हम बाहर से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बालों को बालों में लेप लगाकर, अपने बालों में जेल का इस्तेमाल करके, या फिर स्किन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मास्क या कोई क्रीम बना के। तो ऐसा ही एक सुपर फूड है फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज, जिसे उसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये इनका इस्तेमाल प्राचीन काल से होता हुआ आया है। अगर आप इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में जानते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि इजिप्ट के जो लोग थे वो उस समय भी, हजारों साल पहले भी, काफी उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, उनका ज्ञान बहुत अच्छा था, और वो इसीलिए इतने हजारों साल पहले उन्होंने जो पिरामिड्स बनाए इतने मजबूत हैं कि वो आज भी सर उठाए खड़े हैं। तो ये जो फ्लैक्स सीड है उसका इस्तेमाल एंशिएंट इजिप्शियन लोग करते थे, ना सिर्फ खाने में बल्कि उसकी मेडिसिन भी बनाई जाती थी। और उसका इस्तेमाल, क्योंकि ये एक फाइबरस फूड है, इसमें हाई लेवल ऑफ फाइबर का है, तो उस पौधे का इस्तेमाल वो कपड़ा बनाने के लिए भी करते थे। तो इतनी पुरानी है फ्लैक्स सीड की कहानी। तो जब कोई चीज इतने हजारों साल पहले भी इस्तेमाल की जाती थी तो उसका उपयोग आज के जमाने में क्यों ना हो। और जो भी लोग अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद रहते हैं वो फ्लैक्स सीड को अनदेखा नहीं कर सकते। तो इसलिए बात जब हम हेयर केयर की करते हैं तो उसमें फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज का टॉपिक फ्लैक्स सीड के नाम। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि फ्लैक्स सीड में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जिसे खाकर आप अंदर से अपने आप को मजबूत बनाएंगे और जिसे लगाकर बालों को बाहर से मजबूत और सुंदर बनाया जा सकता है। तो फ्लैक्स सीड में ऐसा क्या है? अगर हम बात उसके पोषक तत्वों की करते हैं, क्या उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यूज है? ये बहुत सारे खनिज तत्वों से भरा हुआ है और इसमें विटामिन ई है जो बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और बहुत सारे खनिजों में मैग्नीशियम है और सेलेनियम है, और भी कई नाम हैं जो मेरे को याद नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सब नामों को याद रखना। और चूंकि मैं आर्ट स्टूडेंट रही हूं तो जरा साइंस से थोड़ा सा हमारा उतना जरा थोड़ी दूरी रहती है, तो लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आप गूगल करके और आपको पता चल जाएगा कि फ्लैक्स सीड के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन थोड़ी नॉलेज तो मुझे भी होनी चाहिए। तो फ्लैक्स सीड खाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा नहीं खाना है, शुरुआत में एक चौथाई चम्मच खाइए, एक छोटा टीस्पून से शुरुआत कीजिए और उसके बाद आप एक चम्मच भर के भी खा सकते हैं। कच्चा खा सकते हैं, रोस्ट करके भी खा सकते हैं, चाहे तो उसको अपने जब रोटी बनाते हैं तो उसमें आप डाल लीजिए, आटे में बेल, आटे को जब बनाते हैं रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं तो उसमें आप फ्लैक्स सीड डाल सकते हैं, कोई ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाल दीजिए, और आप सलाद के ऊपर भी डाल सकते हैं। रोस्टेड सीड्स को सलाद के ऊपर भी डाला जा सकता है। तो खाने के तरीके अनेक हैं, बस खाने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सेहतमंद खाने की बात करते हैं तो सभी लोग, ज्यादातर यंगस्टर्स तो अपना नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, क्योंकि फास्ट फूड का, फास्ट लाइफ का जमाना है तो ये सब कौन करे। लेकिन काफी लोग जागरूक हो रहे हैं और उनको पता चल गया है कि स्वस्थ ही नियामत है और स्वास्थ्य ही जीवन है। अगर आप हेल्दी होंगे तो आप के लिए लाइफ इजी है ना? लाइफ तभी इजी होगी जब आप स्वस्थ होंगे। व्हेन यू आर हेल्दी देन ओनली यू विल बी एबल टू डू लॉट मेनी थिंग्स। अगर आप
चाहे कितना पैसा कमा ले, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं है आप, तो आप उस पैसे का एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए उन सभी यंगस्टर्स के लिए जो मेरा चैनल देखते हैं, उनको मैं सिर्फ यही एक एक सीख तो नहीं कहूंगी, सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अपना ध्यान रखिए, खाना हेल्दी खाइए, जितना हो सके फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स कोई भी, घर का बना खाना खाइए। और जहां तक कोशिश है कोशिश करें कि फास्ट फूड की तरफ ना जाएं, और फास्ट फूड का मतलब वो हेल्दी होना चाहिए, तो हेल्दी है तो फास्ट फूड चलेगा, लेकिन दूसरा नहीं। क्योंकि कई बार हम सिर्फ सब्जियों को ऐसे ही थोड़े से तेल में सॉटे कर लेते हैं, वो भी एक फास्ट फूड हो जाता है ना। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ऐसा खाना खाएं कि जो जल्दी हजम हो जाए, सुपाच्य हो, और जिससे आपको ताकत मिले, क्योंकि यही इससे अनमोल और कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारे पास है ना उसकी हम कदर नहीं करते, है ना। अगर अच्छे बाल हैं भगवान की दया से अगर हैं, तो हम कदर नहीं करेंगे उस पर, फिर कहीं रंग लगा लेंगे, कहीं केमिकल्स लगाएंगे, कहीं स्ट्रेट कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बाल हैं अच्छे भगवान ने दे दिए हैं, तो भाई उसको मत कदर करो। लेकिन ये जब हम यंग होते हैं तो हमें नहीं समझ में आती ये बात तो लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वो गिल्ट नहीं फील होना चाहिए, तब नहीं ऐसा लगना चाहिए कि अरे उस समय कोई कह रहा था और हमने नहीं सुना। तो इसलिए ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपका जो स्वास्थ्य है वही आपके काम आने वाला है, और कुछ भी नहीं आता। तो अपने आप को जहां तक हो सके अच्छा खाना खाइए, चिंता मुक्त रहिए, और किसी भी तरीके का कोई नशा मत कीजिए, है ना। अति हर चीज की बुरी होती है। तो मैं ज्यादा नहीं लेक्चर देना चाहती, या फिर आप कहोगे कि ये तो बस शुरू हो गए, तो वैसा नहीं है। बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है टू ऑल माय व्यूअर्स हु आर इन देयर अर्ली, इन देयर थर्टीज और इन देयर फोर्टीज, तो कोशिश कीजिए कि हम किसी भी ऐसी चीज से दूर रहें जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, बिगड़ता है। तो अगर आपका स्वास्थ्य अंदर से सही होगा, अंदर से आप मजबूत होंगे, तो बाल भी आपके लंबी उम्र तक काले रहेंगे, स्किन अच्छी रहेगी, और प्रदूषण से बचें। अब आप कहोगे कि उससे कैसे बचा जा सकता है, तो कोशिश कीजिए कि बालों को जब बाहर निकले ओपन में, तो बाल बांध के चले। तो अगर आप ऐसे हेल्दी खाना खाएंगे, तो वो प्रदूषण भी ना आपका कुछ कर नहीं पाएगा, वो भी कहेगा कि हाथ जोड़ लेगा कि नहीं ये तो बहुत हेल्दी है, इनके पास मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसा है, अंदर से मजबूती हमें बहुत चाहिए। तो फ्लैक्सीड आप खा सकते हो, ज्यादा नहीं खाना, अति हर चीज की बुरी होती है। तो अब लंबा नहीं खींचूंगी वीडियो को, और आगे चलते हैं कि मैंने कैसे फ्लैक्सीड का इस्तेमाल किया। तो बस चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। तो फ्लैक्सीड यहाँ पर मैंने 1/4 कप लिया है, क्योंकि मैं वन टाइम के लिए बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा फ्लैक्सीड नहीं लिए हैं, और अच्छी क्वालिटी का फ्लैक्सीड है, डार्क ब्राउन कलर का, और जिसे मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और अब इसका हम आगे जल कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ। एक पैन या पतीला कोई भी ले लीजिए, और उसमें मैंने ये फ्लैक्सीड डाल दिए। अब उसी कप से हम 2 कप पानी डालेंगे, तो सेम मेजरमेंट रखना है, 1/4 कप ऑफ फ्लैक्सीड एंड 2 कप्स ऑफ वाटर। तो अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इसी क्वांटिटी को और ज़्यादा बना सकते हैं, उसको दुगना कर लीजिए। आप बना के रख भी सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि साथ के साथ जब आपको फ्रेशली बनाए तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि फ्लैक्सीड फ्रिज में रखने के बाद भी ख़राब हो जाते हैं, उसमें वो जल्दी से उसमें स्मेल आने लग जाती है, और फिर वो उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप साथ के साथ ही बनाएं, उतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ बॉयल ही करना है। तो
अब इसको हम साथ के साथ चलाते रहेंगे, गैस को मैंने ऑन किया है और इसको हम चलाते रहेंगे, नहीं तो फ्लैक्स सीड जो तली है पैन के अंदर चिपक जाते हैं, तो इसलिए उसे चलाना ज़रूरी है ताकि वो सीड चिपके ना। फ्लेम मॉडरेट है, बहुत हाई फ्लेम नहीं है क्योंकि उसको पकना भी चाहिए सही से। तो अब उसमें वो इसको करीब 7 से 8 मिनट लगे मुझे पकाने में और आप देख रहे हो झाग आने शुरू हो गए हैं, तो ये जल्दी ही गाढ़ा हो जाता है, जो इसका जो जेल फॉर्म में जल्दी ही आ जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जेल फॉर्म आने लग गया है, आप कंसिस्टेंसी जो पानी की है वो गाढ़ी होती जा रही है और जो ड्रॉप पड़ रहा है वो तार जैसा बन रहा है। तो जब ऐसा होने लगे तो हमें गैस को बंद कर देना है और ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो ठंडा होने पे ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा और फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसे सब पे। तो इस जब इस स्टेज पे आ जाए कि उसमें जब आप ऊपर से उसे जब गिराएं चम्मच से तो उसमें वो जल जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और उसके बाद हम इसको गरम गरम ही छान लेंगे, उसको ठंडा करके, और फिर छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो भी पोषक तत्व थे वो सारे इस उबालने की जो प्रक्रिया हमने की है उसमें वो आ गए हैं पानी के अंदर। तो इसे गरम गरम ही हम छान लेंगे, तो फिर कोई कपड़े की ज़रूरत नहीं है, वो उसको उसको कपड़े से निकालना ठंडा करने के बाद बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप गरम गरम ही छलनी से छान लें, और जो बाकी का जो बच गया है, जो बाकी के जो ये सीड सब बच गए हैं, इसको चाहे तो फेस पैक की तरह पीस के उसका फेस पैक बन सकता है, और अगर आप नहीं कुछ और इस्तेमाल करना चाहते तो आप उसे फेंक दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। तो अब मैंने जितना निकलना था वो निकल गया है उसमें से जल, और बाकी का मैं फेंक दूंगी। फ्लैक्स सीड के फायदे अनेक हैं, इससे बाल सुंदर चमकीले घने और मज़बूत होते हैं, जैसा कि हर रेमेडी जो भी आप अपनाते हैं अपने बालों के लिए उसके फ़ायदे यही होते हैं कि आपके बाल घने चमकीले और मज़बूत हो जाएं। अब इसमें एक और चीज़ जो हम ऐड कर रहे हैं वो है फ्रेश एलोवेरा जेल का पल्प, जो है फ्रेश एलोवेरा का जो गूदा है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर नहीं है आपके पास तो आप रेडीमेड जो मिलते हैं बाज़ार में वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 चम्मच भर, लेकिन मेरे पास है, पौधा लगा हुआ है, प्लांट है एलोवेरा का, तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एलोवेरा के फ़ायदे भी हमको मिल जाएंगे साथ ही साथ एलोवेरा भी बालों के लिए बहुत ही गुणकारी है, बालों को घना चमकीला और मज़बूत बनाता है। एलोवेरा की मदद से जो बालों में खुजली, जलन या डैंड्रफ है, रूसी है, उस सब में काफ़ी आराम मिलता है, और बालों को लंबा, घना और मज़बूत बनाने में भी एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत ही लाभदायक है। फ्लैक्स सीड का जेल ठंडा हो गया और उसमें मैंने एलोवेरा जेल मिला दिया है, उसको अच्छे से स्टर कर लेंगे, मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली। फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल
काफ़ी मात्रा में आजकल किया जा रहा है, और जिन लोगों ने इसके गुणों को पहचाना है वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इसका प्रयोग, इसके सीड्स का प्रयोग ना सिर्फ खाने में बल्कि अपने आप को सुंदर, अपनी त्वचा को सुंदर बनाने, बालों को सुंदर बनाने में भी किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने इसमें एक चम्मच घर का बना हुआ नारियल तेल भी डाला है, तो नारियल तेल के जो पोषक तत्व हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। नारियल का तेल बालों की जड़ों के लिए बहुत लाभदायक होता है और बालों को नरम, मुलायम और सुंदर बनाता है। और ये क्योंकि घर का बना हुआ तेल था तो मैं और ज़्यादा खुश थी उसे इस्तेमाल करने के लिए। तो अब टाइम है बालों में जेल लगाने का, और बाल को चूँकि मैंने धोए नहीं है, मैं बाद में धोऊंगी, तो इसलिए मैं इसे 2 घंटे ये जेल को सर पे लगा के रखूँगी। धीरे धीरे मांग निकाल कर थोड़ा थोड़ा जेल हाथ में लेकर हम उसे सर पे लगा लेंगे। और कोशिश कीजिए कि सब जगह लगे अच्छे से, और पहले जड़ों में लगा लेंगे और उसके बाद हम बालों की लंबाई में भी उसको लगाएंगे। तो फ्लैक्स सीड का जो जेल है वो अलग अलग बालों के लिए उसका इस्तेमाल अलग अलग है। बहुत से लोग इसका इस्तेमाल बालों को स्ट्रेट करने के लिए करते हैं, तो बाल आप कुछ लोग कर्ली जिनके बाल हैं तो उनके कर्ल्स वो वैसे ही मेंटेन रहें उसके लिए करते हैं। बहुत से लोगों के बाल बहुत फ्रिजी होते हैं, बहुत रूखे रूखे बेजान होते हैं, तो उसके लिए भी फ्लैक्स सीड जेल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो बाल सवरे हुए से रहें, उनमें शाइन आए, उनमें चमक आए और वो बेजान और रूखे ना लगें। लेकिन उनका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी अलग है। तो 2 तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप उसे पहले ही सर में लगा लो, जैसा कि इस वीडियो में मैंने बताया है कि पहले ही लगा के 2 घंटे बैठेंगे और उसके बाद शैम्पू कर लेंगे। या दूसरा तरीका है कि आप उसे शैम्पू किए हुए बालों पर, आप बाल धो लो, बाल साफ सुथरे होने चाहिए, और उसके बाद इस जेल का इस्तेमाल करो, उसे थोड़ी देर रहने दो बालों में लगा हुआ, और उसके बाद सादे पानी से धो डालो। तो जो जिन लोगों को बाल स्ट्रेट करने हैं तो उनके लिए ये दूसरा जो तरीका है वो बहुत फ़ायदे का है। और जिन लोगों को उसकी सिर्फ न्यूट्रिशियस वैल्यूज चाहिए, स्कैल्प को हेल्दी रखना है, बालों को जड़ों से मजबूत रखना है, तो आप इसको पहले लगा के बैठिए 2 घंटे और उसके बाद फिर कोई भी माइल्ड शैम्पू, हर्बल शैम्पू, रीठा शिकाकाई से आप अपना सर धो लीजिए। अब जो बाकी का जो थोड़ा सा जल बच जाए उसे आप अपने चेहरे पर लगा लीजिए, चेहरे के अच्छे से मसाज कीजिए और गले गर्दन पर भी लगाइए। अच्छे से लगा के थोड़ा हल्का मसाज देंगे तो चेहरे की रंगत भी निखर आएगी, बालों के साथ साथ और थोड़ा सा जेल हम हाथों में भी लगा लेंगे तो आपकी जो बाहें हैं उनको भी उनमें भी नमी आ जाएगी। तो फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि हम चेहरे के लिए भी कर सकते हैं इस जेल का इस्तेमाल। तो अब आगे देखते हैं कि जेल लगाने के बाद बाल कैसे सुंदर और अच्छे दिख रहे हैं और कुछ फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं। आशा है कि आपको मेरे बनाए हुए जो नुस्खे हैं, जो रेमेडीज़ मैं बताती हूँ, वो पसंद आती होंगी और आप उनका इस्तेमाल भी करते होंगे। और अगर पसंद आती हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय एंड टेक केयर।